हेलो क्लास 9th है, आज हम स्टार्ट करने वाला 1.2। होप आप सबने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा। जिन जिन्होंने नहीं करा है वो मुझे प्लीज होमवर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में बता देना, या तो फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सबका सर नंबर है, जिसके पास नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 में देखो, जो बेसिक है मतलब इसको सीखने के लिए जो बेसिक्स की जरूरत है वो आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ। कह रहे हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर तो सभी आता है। तो देखो मैं यहां पर इसमें से देखो देखो इरेशनल नंबर ये होते हैं क्या? जो इरेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, इरेशनल नहीं, क्या रैशनल और होल नेचुरल सारे ही रियल नंबर होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? सेकेंड कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वरना बुक्स भी साथ में रख लिया करो अपने। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। जितने भी पॉइंट है नंबर लाइन पे वो किसके फॉर्म में है? रूट की फॉर्म में। तो नंबर लाइन आपको देखो ऐसे दिखती है, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वाले, प्लस वाले, जितने भी नंबर है नंबर लाइन पे। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सारे पॉजिटिव वाले जो हैं, एम मतलब जो रूट के अंदर होंगे ना वो पॉजिटिव वाले होंगे सारे। नेचुरल नंबर्स का मतलब पॉजिटिव वाले सारे, वन से लेकर उस तक, ठीक है। तो अगर मैं एक टू नेचुरल नंबर है रूट के अंदर है, तो उन्होंने कहा जितने भी नेचुरल नंबर रूट के अंदर होंगे वो रूट के अंदर ही रहेंगे, मतलब रूट एम की फॉर्म में ही होंगे खाली। ऐसा हो सकता है? देखो रूट टू तो रूट टू ही रहेगा, रूट थ्री रहेगा, रूट फोर क्या रहेगा? रूट फोर नहीं रहेगा, टू इंटू टू टू हो जाएगा बाहर निकल के। तो ये तो चीज गलत हो गई ना। इन्होंने क्या कहा था? जितने भी नेचुरल नंबर है उनको रूट में रखो, रूट से रूट में रहेंगे वो, इन द फॉर्म ऑफ दिस। पढ़ा इसमें तो ना रहेगा, बाहर भी तो निकल सकता है वो। तो नो, फॉल्स। थर्ड कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो दुनिया में जितने भी रियल नंबर सारे इरेशनल नंबर है, देखना जरा। जितने भी रियल नंबर है क्या वो सारे इरेशनल नंबर है? नहीं भाई, रियल नंबर तो सबका सेट है, खाली इरेशनल नंबर थोड़ा रियल नंबर। तो उसका कहना हो जाएगा फॉल्स। सो देखो, अगर ऐसे ऐसे वाले पार्ट में कोई दिक्कत आती है, मैंने लास्ट उसमें समझाया था। सो इसका सिंपल सा एक फंडा है कि जैसे कि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था जो इरेशनल नंबर होते हैं एवरी, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अगर हम छोटे से बड़े के बारे में वो पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। कि छोटा जो है वो ऑब्वियसली बात है बड़े के अंदर कंसिस्ट होगा, है ना। तो ऐसे ही अगर वो उल्टे उल्टे मुझे कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, मतलब बड़े के बाद छोटा, बड़े के बाद छोटा, तो फॉल्स। दोबारा सुन लो, अगर छोटा फिर बड़ा, इतना तो पता लग जाएगा ना कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, क्योंकि इस चार्ट के भ्याप को पता लग जाएगा ना ये छोटा ये बड़ा। पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा है तो ट्रू, अगर पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है तो फॉल्स। ये ट्रिक है, ये सीक्रेट ट्रिक है भाई साहब, बहुत काम आएगी आपको एमसीक्यूज में आपके, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। सो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना आपको इरेशनल के बारे में समझना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने इरेशनल वाला जब टॉपिक आया था तो मैंने रोक दिया था यहाँ पे आपको, है ना। तो देखो मैं दोबारा आप समझाता हूँ। इरेशनल दो तरीके के होते हैं, उसमें से एक तरीका और भी सीखने वाले हो। सो इरेशनल दो तरीके के होते हैं, उसमें एक तरीका क्या होता है? इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने क्या बोला? रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल, रूट टू इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल, बिकॉज रूट भी है और प्राइम नंबर, मतलब टू अपने टेबल में आता है खाली, रूट भी और थ्री प्राइम नंबर है तो अपने टेबल में आता है, क्या हो जाएगा? इरेशनल। रूट फोर इरेशनल? नो, रूट तो है बट फोर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि निकल के टू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे अगर मैं रूट सिक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल। रूट सिक्स की बात करिए तो इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, कह रहे हैं आर द स्क्वायर, मैंने समझाया था दोबारा समझ लो, कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स हैं वो इरेशनल होंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इनके अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं सब इरेशनल होंगे। तो देखो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट करा इरेशनल, यस। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट करा, यस इरेशनल। ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट करा बट रैशनल, इट्स रैशनल। टू भी रैशनल ही है क्योंकि टू को मैं टू अपन वन लिख सकता हूं।
सो नो लिखेंगे पहले हम, उसके बाद उन्होंने बोला है अगर नहीं है तो बताओ रीजन और एक एग्जांपल दो कि सर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर रैशनल आता है। तो आप देख लो, बोलते हो कि रूट फोर, फोर वो नंबर है जिसको रूट करने पे क्या आता है, टू। मतलब नो के बाद कॉमा लगाकर अब ये लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, बस हो गया। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है जो कि थर्ड कह रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन एकदम बेकार क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में नहीं आता। फिर फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत पहले कटवा चुके हैं, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें काट चुके हैं ये। अब आगे बढ़ने से पहले, मतलब 1.3 को समझने से पहले, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। देखो एक्सरसाइज 1.3, 1.3 को समझने से पहले आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बेसिक समझना है। अब बेसिक क्या है, जिसकी मैंने पहले बेसिक समझाया था वैसे इसका भी बेसिक है। क्या बेसिक है? डेसिमल। भाई डेसिमल क्या होता है? बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है, तो बहुत इजी होता है, हमें सबको पता है डेसिमल क्या होता है, बट इट्स एक लेवल आगे की चीज है ये। डेसिमल दो तरीके की होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो टर्मिनेटिंग, अनेक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। स्पेलिंग पूरी लिख रहा, टाइम वेस्ट होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, लेट सपोज 36/100, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.36। तो जो डेसिमल होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो एक एक लेवल पे आके, एक पॉइंट पे आकर रुक जाए। लेट सपोज मैं मान के चलूं अगर 2/10, तो उसको मैं डिवाइड करूं तो 0.2, 2 पे आके रुक गया ना ये, तो इट्स टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट पे आकर रुक जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एक पॉइंट पे आकर नहीं रुकता। तो उसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक क्या होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, देखो रिपीटिंग वाले में क्या है सीन, देखो अगर कोई भी डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब एक जगह पे अगर रुक नहीं रहा तो वो रिपीट होगा, जैसे कि 2/3। अगर मैं 2/3 की बात करूं, अगर मैं उसको डिवाइड करूं, तो उसका पता है आंसर क्या आएगा, 0.66666 चलता रहेगा। नहीं कि ना, यहां देख लो डिवाइड करके, यहां दिखा देता हूं, चलो 3 बार 2 अंदर, 3 2 जा, टेबल में तो आई नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगेगा 20। 3 6 18, पॉइंट तो लगा हुआ, ओ माइनस करा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 6 18, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0। ऐसे कर करके भाई साहब, अगर आप पूरी का पूरा अपना रजिस्टर ही भर देते हो ना, तब भी 6 खत्म नहीं होंगे, तो रिपीट होते जा रहा है ना 6। तो जब भी ऐसा कुछ रिपीट होता है, हम उसको कैसे लिख देते हैं, 0.6 बार, मतलब जो चीज रिपीट होता है उसको सही से लिख देते हैं। समझ में आ गया रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या है, अब नॉन रिपीटिंग क्या है, तो देखो मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूं। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, देखो अब अगर कोई भी डेसिमल एक जगह पे आके रुक नहीं रहा, तो या तो वो रिपीट होगा या तो वो रिपीट नहीं होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, एक सर एक बात बताओ सिंपल सी, एक डेसिमल है उसके दो पार्ट हैं, पहला कि वो रिपीट मतलब वो एक जगह पे आके रुक जाए, सेकंड वो एक जगह पे आके ना रुके। अब सर जब एक जगह पे आके वो नहीं रुकेगा तो वो तो रिपीट होगा ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई भी डेसिमल, मैंने क्या बताया, दो तरीके के होते हैं, पहला वो जो कि एक पॉइंट पे आके रुक जाए जिसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, सेकंड वो जो कि एक पॉइंट पे आके नहीं रुके जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सर जो डेसिमल एक पॉइंट पे आके नहीं रुक रहा मतलब तो वो रिपीट हो रहा होगा, तो नॉन रिपीटिंग तो यही हो गया ना एक तरह से। नो, नॉन रिपीटिंग मतलब जो ना ही एक लेवल पे आके रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया इसको। सो देखो अगर मैं नॉन रिपीटिंग की बात करूं, तो उसका एग्जाम्पल होता है 0.80800000 डॉट 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 डॉट, ये देख रहे हो जीरो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जब तक आप आगे करते रहोगे जीरो की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, पहले 1 3 2 3 4 जीरो की वैल्यू बढ़ती रहेंगी, एंड ये कभी रुकेगा भी नहीं, कभी एक एक पॉइंट पर रुकेगा भी नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ना ही टर्मिनेट होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है इसका। अब इसी वाले को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल का सेकंड वाला पार्ट, याद है अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला ये होता है सेकंड वाला पार्ट, तो दोनों आप इरेशनल का समझ गए, ठीक है। तो ये होता है टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये होता है रैशनल मतलब क्या हुँ? ये भी रैशनल मतलब क्या हुँ? और ये क्या है, इरेशनल मतलब एस, ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो रिपीट करके वीडियो को देख